आरा में छात्र राजद भोजपुर एवं वीरपुर सिंह विश्वविद्यालय आरा इकाई के द्वारा कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह में भोजपुर जिला के जनप्रतिनिधियों के अपमान के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्थानीय पकड़ी चौक पर पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान छात्र राजद पटना प्रमंडल के अध्यक्ष भीम यादव ने कहा कि आरा कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह में भोजपुर जिले के जनप्रतिनिधियों एवं जिला परिषद अध्यक्ष आरती देवी एवं संदेश के नव निर्वाचित विधायिका किरण देवी को उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर जिला प्रशासन के द्वारा आमंत्रण नहीं देना इस बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार महिला विरोधी हैं और साथ ही साथ महागठबंधन के जीते हुए जनप्रतिनिधियों को उस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में सूचना नहीं देना दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने आरा पटना जो फोर लाइन का उद्घाटन किए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, उन्होंने नीतीश कुमार जी ने पहले विद्यालय जो स्कूल है, पढ़ने वाले लोग हैं, स्कूल को तोड़वा कर वहाँ पर उद्घाटन करवाने का काम किया। और महिला की जो बात रही, महिला के वहाँ की विधायिका संदेश की माननीय विधायिका जो है किरण देवी जी और जिला परिषद की अध्यक्ष और कोइलवर प्रखंड की रहने वाली महिला आरती देवी जी का महिला की बात करते हैं, उन्होंने महिला के साथ ठगने का काम किया है, इसीलिए हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। जांगली जो प्रदेश छात्र पुतला दहन किया गया आज, इसलिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पुतला दहन किया गया है। जिस तरह से आज जो कोइलवर पुल का उद्घाटन समारोह था, उस उद्घाटन समारोह में खास करके भोजपुर जिला के जो जनप्रतिनिधि हैं, महिला जनप्रतिनिधि, उस इलाके से अभी नव निर्वाचित प्रतिनिधि हैं किरण देवी जी, माननीय विधायक हैं, उनको इनविटेशन नहीं दिया गया माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर जिला प्रशासन के द्वारा। और साथ ही साथ इस भोजपुर जनपद के जिला परिषद की अध्यक्ष हैं आदरणीय आरती देवी जी, उनको भी आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया, न ही सूचना दिया गया। ये निश्चित रूप से दर्शाता है नीतीश कुमार का कि वे निश्चित रूप से महिला विरोधी हैं। और खास करके जिस तरह से उद्घाटन समारोह में जो महागठबंधन के जीते हुए जनप्रतिनिधि है, उनको नहीं बुलाना, इस बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी दुर्भावना से ग्रसित होकर के महागठबंधन के जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाए हैं। हम सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप बराबर बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला बचाओ महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आपने खास करके भोजपुर जिला में और इतना बड़ा जो पुल का उद्घाटन समारोह था, आपने महिलाओं को खास करके अपमान करने का काम किया। तो हम सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि आप आम बिहार के आम जनमानस के बीच महिलाओं से सरेआम माफी मांगने का काम करें। हम लोग इसी बात के लिए नाराज होकर के पूरा छात्र राजद परिवार